संसार के सभी साधुओं को आरवी सिंह का नमस्कार। देखिए आज की शुरुआत हम एक ऐसे करने जा रहे हैं जिससे कि जो योगा से कहते हैं कि हमसे हमें समय नहीं मिलता, हम योगा नहीं कर सकते, तो उन भाई बहनों के लिए कुछ एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हम जिससे कि वो भी इससे फायदा उठाएं। देखिए यूं तो मंडूक आसन जो बताते हैं हम, 5 मिनट कम से कम मंडूक आसन लगाएं, डायबिटीज कंट्रोल रहती है और खान पीन पर ध्यान दें अपना। ये देखिए डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आज सारी दुनिया में तो फैली हुई है लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक है। इसकी संख्या हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है और हमारे हर परिवार में ये आ चुकी है। ये एक जैसे टायर में बारीक पंचर होता है, इस तरह से हवा निकलनी शुरू होती है टायर की, इस तरह से आदमी कमजोर, व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है और एक दिन शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि शरीर में मांस का बिल्कुल पता नहीं रहता। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये मैं सेवा देता रहता हूँ आपको कि आप सुखी रहें, अच्छे रहें, ये एक तरह से मैंने संकल्प ले रखा है। मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। मैंने मेरे अंदर ये एक प्रेरणा जगी है तो मैं सबके सबको खुश देखना चाहता हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप माने ना माने ये आपका काम है, लेकिन मैं ये सेवा देता रहूँगा आपको। तो मेरा कहना ये है कि आप कुछ भी ना कर सकें तो मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा बहुत थोड़ी चहलकदमी कर लें, जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारी जो है इम्यूनिटी पावर जो बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इतना ही करें और थोड़ा बहुत कर सकें तो करें, और नहीं तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लेकर आया हूँ। देखिए बाजार से हरा धनिया लाएं आप साफ सा, और गांव में तो वो अपने घर में ही आसपास बो लेते हैं उसको, तो उसको साफ करके पानी से साफ शुद्ध करने के बाद आप उसे उसमें कोई नमक मिर्च मसाला नहीं डालेंगे, अब उसकी चटनी पीस लें, और जिनके दांत हैं वो उसे जो है बराबर में रख लें, खाना खाने से पहले उसको जो है चबा चबा कर बढ़िया तरह से 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम तक उसको साथ में खाएं, और चटनी बना के आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो तो आसानी से डाइजेस्ट होगी और आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। ये इतना बढ़िया फार्मूला है, आप करेंगे आपको पता तभी चल पाएगा। ये हमारे ऋषि मुनियों का एक फार्मूला है जो मैं आपको YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो इसे जो है आप आजमाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और ये इतना बढ़िया फायदा करता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप लाएं बाजार से और इसको साफ करके और अपने खाने से पहले जो है इसको लें और देखते हैं फिर क्या होता है, कितना आराम मिलता है आपको, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं जिससे कि हमें पता चले कि किसी किसे फ़ायदा हुआ है। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।